अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब मोहम्मद आसिफ इंतखाबी नगीना। जब नगीना पत्थरों का जिक्र आता है तो साथ बखूरात का जिक्र भी आता है। बखूरात फिर जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो खुशबुआत आती हैं। तो खुशबुआत जो हैं अरब में भी और वैसे भी नमाज में भी और हर चीज़ में सिवाय रोज़े के अलावा हर उसमें इस्तेमाल की जाती हैं कि ईद और बकरीद में भी किए जाते हैं। मैं आज आपको खुशबुआत के मुतालिक बताता हूँ कि यहाँ पर किस कदर उम्दा और बेहतरीन किस्म खुशबुआत मिलती हैं, लेकिन कीमतें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। नॉर्मली अगर हम लें तो तकरीबन 100 रियाल पर तोला से लेकर और 1000-2000 रियाल पर तोला तक के बखूरात मौजूद होंगे। और आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत उम्दा किस्म के बखूर यहाँ मौजूद हैं और इनकी कीमतें भी वैसे ही हैं जैसे कि आप सोच नहीं सकते। नॉर्मली यहाँ पर जो है वो 100 रियाल 200 रियाल से लेकर 1000 रियाल पर तोला तक इदरियात मिलते हैं। जो तो इसमें जो है जैसे ऊद है, ऊद की कीमत अगर मालूम करना है तो ऊद मिल जाएगा। सीधी ऊद सी मौजूद ऊद आई वाह आई वाह जी भाई ये ऊद है ये कंबोडिया का ऊद हैगा और कमरियाल तो तोला निस्तोला कमरियाल आधा ये आधा तोला मिल रहा है तकरीबन 120 रियाल के 240 रियाल तोला कंबोडिया का है ये। तो इसकी ये अच्छी क्वालिटी है, बहुत उम्दा इसकी खुशबू है। अगर आप कहें और हादा इसी उसमें है मलकी 100। दूसरा ये मलकी मिल रहा है, मलकी भी है और कंबोडिया का भी है, जबकि इंडिया की बात नहीं हो रही है। और ये मलकी जो है ये 100 रियाल का आधा तोले नहीं 200 रियाल पर तोला के हिसाब से मिल जाएगा। दोनों ऊद अच्छे हैं, बहरहाल जो जौन से ऊद आप कहेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ ऊद है, अंबर है और उसके अलावा दूसरी काफ़ी खुशबुआत मौजूद हैं। मैंने कहा छोटा सा आप लोगों को ये एक वीडियो बना के दिखा दूँ कि यहाँ इतरियाती बहुत सारी अफसा मौजूद हैं। आप पसंद कर लें, इसके अंदर ये मौजूद हैं, इसमें 10 तोले की भी मौजूद है। तो ये बड़ी शीशु मौजूद है, चाहे ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है लेकिन इसके अलावा दूसरी जो है ये और काफ़ी मौजूद हैं। मैंने कहा दिखा दूँ, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इंतखाबे नगीना सिंस 1984, मोहम्मद आसिफ।